हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन. मैं हूं आपका गुरु और आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज करना सिखाऊंगा. आइए इसको कैसे करते हैं यहां से स्टार्ट करें. मेल मर्ज करने के लिए हमको एक एमएस वर्ड की फाइल चाहिए और एक एमएस एक्सेल की फाइल चाहिए. दो फाइल्स चाहिए. क्यों चाहिए वो हम चेक करते हैं. अगर आप मेल मर्ज करना चाह रहे हैं यानी कि आपको मालूम है कि मेल मर्ज क्या होता है, इसके जरिए हम बहुत सारे लोगों को एक साथ लेटर, ईमेल, एनवेलप्स, लेबल्स ये चीजें बना के भेज सकते हैं. ऑलराइट, सो मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए हमको होम पे क्लिक करना होगा. उसके होम टैब में जहां पे सॉरी रिबन जो दिख रहा है यहाँ पे मेलिंग पे क्लिक करना होगा और क्लिक करना होगा स्टार्ट मेल मर्ज. और अभी हम लेटर बनाना सीख रहे हैं. अगले वीडियोस में मैं ईमेल मैसेजेस, envelopes, labels, directory सिखाऊंगा और इसके advanced versions भी सिखाऊंगा. अब ये basic mail merge है जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि mail merge इस्तेमाल कैसे करना. हम letters पे क्लिक करेंगे और अब ये पूछ रहा है select recipient. select recipient में type a new list और use existing list. so usually जब आपको बहुत सारे लोगों को कोई चिट्ठी वगैरह भेजनी है तो आपने एक लिस्ट बना के रखी होती है. तो उसके लिए मैंने भी एक लिस्ट बना के रखी है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट. मैंने मेरी डॉक्यूमेंट फोल्डर्स में उसका नाम रखा है मेल मर्ज. यस, मेल मर्ज 1 XLS. ये एक एक्सेल की फाइल है. अभी देखिए जैसे हम इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे ये बोल रहा है कि डेटा आपका कहाँ पे है. मेरा डेटा रखा है शीट 1 में. ठीक है, शीट 2 और 3 में कुछ भी नहीं है. और फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेन्स कॉलम हेडर्स. क्या कॉलम हेडर मैंने डाले हैं? मैंने हाँ कॉलम हेडर्स डाले हैं, इसलिए इसको चेक रखा हुआ है. ओके, अब जब तक ये कर रहे हैं एक बार मैं आपको वो डेटा दिखा भी देता हूं. मेरे ख्याल से आवाज सही हो जाएगा. लेट मी शो यू दैट डेटा. रीड ओनली पे आ गया. यहां देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम रखा है मैंने, लास्ट नेम रखा है, जॉब टाइटल कंपनी का नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस सिटी, स्टेट, पोस्टल एड्रेस, कंट्री और फोन नंबर. नाम है एप्पल ट्री मैन, प्रोडक्शन इंचार्ज, फ्रूट इनकॉर्पोरेटेड, एप्पल एट द रेट गो डॉट कॉम, 123 एप्पल ड्राइव, पेंसिल्वेनिया, एप्पलटन, ऐसे रखा है. तो इसको बंद कर देता हूँ. सो अब मैं मेल मर्ज स्टार्ट कर रहा हूँ. तो सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, और मैंने मेरी लिस्ट सेलेक्ट करी, टाइप करा उसका नाम मेल मर्ज 1. ओके ओके, और अब यहाँ पे मैं एडिट रेसिपिएंट कर सकता हूँ, जिससे कि अगर मेरी लिस्ट में कुछ लोग हैं जिनको मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन है लिस्ट में और सारा डेटा सही है कि नहीं, तो मैं पहले यहाँ से देख सकता हूँ. यहाँ पे ये लोग हैं. दो फाइल्स चल रही हैं लगता है. इसको बंद कर देते हैं. सही है. देखिए लास्ट नेम, फर्स्ट नेम सब आया हुआ है यहाँ पे. आप यहां से डेटा का सॉर्ट भी कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, डुप्लीकेट फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी आप यूज कर सकते हैं. और किसी को हटाना है तो आप यहां से हटा भी सकते हैं. अनचेक कर दिए गए तो इसको चिट्ठी नहीं जाएगा, चेक रखेंगे तो इसको जाएगा. हम सबको भेजना चाह रहे हैं तो ओके. और अब हम सबसे पहले क्या डालना चाहेंगे. यूजुअली लेटर्स में सबसे पहले एड्रेस आता है, तो यहाँ पे हम एड्रेस ब्लॉक डालते हैं और जैसा हम यहाँ पे चुनेंगे यहाँ पे वो दिखता रहेगा. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंगो, टेस्ट अनलिमिटेड कंपनी का नाम है, 123 मैंगो एवेन्यू, मैंगोवेनिया, फ्रूटन उसका पिन कोड और कंट्री का नाम. यहाँ पे चेंज करेंगे तो देखिए लास्ट नेम भी आ गया उसका, और यहाँ पे करेंगे तो उसका मिडिल नेम भी आ गया. ये देखिए मैं चेंज करता जा रहा हूं और ये सही लगता है मेरे को. मिस्टर जॉश क्यू रैंडल जूनियर यानी कि मैंगो ब्रांचवुड पूरा नाम. ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो कंपनी का नाम हट गया. यहाँ से देखिए वापस चेक कर रहा हूँ. टेस्ट अनलिमिटेड ये मैंने कंपनी का नाम रखा था इनकी. यहां से मैं चाहूं तो कंपनी का नाम रख सकता हूँ कि हटा सकता हूँ. और इंसर्ट पोस्टल एड्रेस में ओनली इंक्लूड इन कंट्रीज रीजन इफ डिफरेंट देन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स से अलग हो
तो ही यहाँ पे कंट्री का नाम दिखाएं। सो मैंने हाँ यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स से अलग है तो कंट्री का नाम दिख रहा है, नहीं तो अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कभी यहाँ पे कंट्री दिखेगी नहीं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमेशा दिखेगा चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो या ना हो। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस यूनाइटेड स्टेट्स को भी बदल के कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट एड्रेस अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन कंट्री रीजन, यस ये सही रहता है करना, वैसे स्टैंडर्ड डिजाइन रहते हैं, तो इसको वापस यूनाइटेड स्टेट्स कर दें हम। और यहाँ पे आप पिछले पे जाके देख सकते हैं ये एप्पल मेंट्री ऐसे दिख रहे हैं, इसको ओके कर दीजिए। हाँ ये करेक्ट प्रॉब्लम्स, इफ आइटम्स इन योर एड्रेस ब्लॉक्स आर मिसिंग और आउट ऑफ ऑर्डर यूज मैच फील्ड्स टू आइडेंटिफाई द करेक्ट एड्रेस। अब यहाँ पे आप देख, इसको क्लिक करने से अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ सही नहीं आ रहा है तो आप फील्ड को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैच फील्ड्स कर्टसी नेम मिडिल नेम, कर्टसी नेम हमने कुछ रखा नहीं है, कर्टसी नेम यूजुअली सर और लेफ्टिनेंट कर्नल वो टाइप की चीजें जो होती हैं, कर्टसी टाइटल वो हमने कुछ रखा ही नहीं है। मिडिल नेम हमारा कॉलम मिडिल नेम से मैच करता है, लास्ट नेम से मैच करता है, सुफिक्स हमने कोई नहीं रखा, निकनेम नहीं रखा, कंपनी यानी कंपनी का नाम, ये ऐसे देख रहे हैं आप, ये चीजें मैच कर रही हैं। अगर कुछ मैच नहीं कर रहा है तो अब यहां से उसको अपडेट करके मैच कर सकते हो अपने आप ही, ऑलराइट। और इसको हम ओके करेंगे और यहां पे आ गया एड्रेस ब्लॉक। अब मैं देना चाहूंगा ग्रीटिंग लाइन, ग्रीटिंग लाइन में मैं देना चाहूंगा डियर टू कुछ भी, जो भी हम देंगे वो यहां पे दिख जाएगा। अब हम डियर कर देते हैं, डियर एप्पल मैन, और यहां से अगर आप चाहेंगे तो इसका स्टाइल बदलता जाएगा, डियर मिस्टर एंड मिसेस। अब जब मिस्टर एंड मिसेस नहीं है तो जब उसको मिस्टर एंड मिसेस नहीं मिले तो उसने उसको ऑटोमेटिकली डियर सर मैडम कर दिया, देख रहे हैं यहां पे आप। ग्रीटिंग लाइन फॉर इनवैलिड रेसिपिएंट नेम, यानी कि ये अगर इस तरह का हमें रेसिपिएंट नेम नहीं मिलता, मिस्टर एंड मिसेस टाइप का हमने डाला ही नहीं है, तो वो डियर सर मैडम दे देगा। और यहां पे आपको क्या कॉमा देना है, ऐसा देना है, नन देना है, तो मैं कॉमा रखूंगा, ज्यादा बेहतर रहता है। और इसको ओके कर देंगे, यहां पे भी अगर कहीं इश्यू आ रहा है तो आप मैच फील्ड करके उसको सही कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। और यहां पे आप लेटर टाइप कर सकते हैं अपना, वेलकम टू www.myelesson.org, ठीक है। और हम इसको प्रीव्यू रिजल्ट करके देख सकते हैं यहां पे क्लिक करके, देखिए एप्पल मैन फ्रूट इनकॉर्पोरेटेड 123 एप्पल ड्राइव एप्पलवेनिया एप्पलटन पिन कोड फ्रूट कंट्री, डियर एप्पल मैन वेलकम टू myelesson.org। प्रीव्यू रिजल्ट्स को बंद कर दीजिए और फिनिश एंड मर्ज पे हम क्लिक करेंगे, इससे इमीडिएटली फिनिश नहीं होगा, हम यहां पे करेंगे सेंड ईमेल मैसेजेस, नहीं प्रिंट डॉक्यूमेंट, नहीं प्रिंट हो सकता है आपको करना हो, लेकिन प्रिंट करने से पहले मैं कहूंगा कि एक बार एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे जरूर क्लिक करें, और यहां से आप चुन सकते हैं सारे करंट रिकॉर्ड या कहां से कहां तक, तो मैं क्लिक करता हूं सारे पे ऑल, तो ये एक नया वर्ड फाइल खुलेगा, देखिए इसका नाम बना है लेटर्स वन, अपने आप बना है, और ये आपको दिखा रहा है एप्पल मैन फ्रूट लिखा हुआ सारे चीज, और यहां पे अगले बंदे का नाम आ गया। सो अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो आप यहीं से उसको एडिटिंग कर भी सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि सबको सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको बंद कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑलराइट। सो ये था हमारा मेल मर्ज, उम्मीद करता हूं आपको आज पसंद आया होगा, इसके और भी वीडियोस बनाऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी लर्निंग। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये और इसके जैसे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है मेरी वेबसाइट myelesson.org पे, यहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग फाइल्स भी हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ही इस वीडियो के बारे में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगले वीडियो तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी लर्निंग।